सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर वी ट्रेड क्रिप्टो चैनल। सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को भी दबा देना। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आपने चेकआउट नहीं करा है तो आप चेकआउट भी कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। या हम डेली बेसिस पे आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे यहाँ चार्ट एनालिसिस होता है, मंथली एनालिसिस होता है और वीकली एनालिसिस होता है, और यहाँ पे सीधा हम पोस्ट करते हैं चार्ट्स को। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल राइट गाइज, सो वेलकम बैक टू आवर वी ट्रेड क्रिप्टो चैनल। सो गाइज, बेसिकली आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे अच्छे खासे टॉप 5 के मेटावर्स क्रिप्टो करेंसी देखने वाले हैं, जो कि एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट बना के दे सकते हैं आने वाले लॉन्गर टाइम पीरियड में। बिकॉज जो आप जानते हो, और US का जब CPI डेटा कंट्रोल के अंदर आएगा और फेड सोचेगी कि अपने इंटरेस्ट रेट सब से हमें डाउन करने होंगे, तो उस वक्त यार मार्केट में बेसिकली हमें कंसोलिडेशन पीरियड देखने को मिलेगा। और उसके बाद हमें कह सकते हैं यार मार्केट में के अंदर एक अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी, तो नेक्स्ट बुल रन यार हमारा जल्दी आ सकता है। मे बी पॉसिबिलिटी ये है कि यार जो हमारा नेक्स्ट बुल रन हो वो 2024 के मिड मंथ के अंदर आ जाए। बट जो भी है यार, जो भी नेक्स्ट बुल रन आने वाला है उसके लिए एक अच्छे खासे क्रिप्टो करेंसीज मैंने देखी हुई हैं, ठीक है। बेसिकली जितने भी ये कॉइन्स मैं दिखाने वाला हूँ आपको, ये सारे मेटावर्स प्रोजेक्ट के कॉइन है। और आप यार जानते हो मेटावर्स प्रोजेक्ट तो यार बहुत अच्छा खासा प्रोजेक्ट है, एज आने वाले हमारी फ्यूचरिस्टिक है ये, ठीक है। आने वाले में आप जानते हो हमारी Web 2 से Web 3.0 में अब चेंज होने वाला है वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी। तो उसी के बिहाफ पे यार मैंने ऐसे अच्छे खासे आपके लिए टॉप 5 कॉइन्स निकाले हुए हैं मेटावर्स प्रोजेक्ट के, जो कि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं आई श्योर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो हमारा पहला कॉइन है उसका नाम है ब्लॉकटोपिया, ठीक है। तो ब्लॉकटोपिया का जो प्राइस चल रहा है 0.0021 सेंट्स के करीब प्राइस चल रहा है, ओके। देन अगर इसका कम्युनिटी देखें तो इसका खुद का CMC कम्युनिटी डिस्कशन पैनल है, ट्विटर पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड 17.54 बिलियन के करीब ब्लॉक सर्कुलेट हो रहे हैं, ठीक है। एंड 732 लैक्स के करीब इसका वॉल्यूम है। देन मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो $38 मिलियन के करीब का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ओके। देन अगर कॉन्ट्रैक्ट देखें तो बेसिकली BNB स्मार्ट चेन पे बेसिकली है ये, और www.blocktokia.com से इसकी खुद की मेन वेबसाइट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अच्छा खासा वेबसाइट है इसकी, और एक आने वाले टाइम पीरियड में एक अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है बेसिकली ब्लॉकटोपिया। तो आप इसको बेसिकली अपने लिस्ट के अंदर एडअप कर सकते हो नेक्स्ट बुल रन के लिए, और इसके अंदर एक सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बिकॉज नेक्स्ट बुल रन में आपको एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है इस कॉइन के अंदर, ठीक है। तो अगर इसका टेक्निकल देखा जाए तो यार टेक्निकल मैंने आपको पहले भी ये कॉइन्स बताया है ब्लॉकटोपिया, लेकिन मैंने आपको पहले बाइंग जोन जो एरिया बताया था, अगर आपसे मिस हो चुका है वो बाइंग जोन एरिया, तो आपके लिए एक और बेटर अच्छा खासा बाइंग जोन एरिया बन के आया है इसके अंदर, ठीक है। तो आई होप इसके अंदर आप एक अच्छा खासा सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो नेक्स्ट बुल रन तक यार आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देने वाला है बेसिकली ब्लॉकटोपिया, बिकॉज एक अच्छा खासा मेटावर्स क्रिप्टो करेंसी है ये, और अपने ऑल टाइम हाई से यार 98.44% डाउन है ये, ठीक है। तो यार आप सोच सकते हो इसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना अच्छा हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो बेसिकली यार आप क्या आप इसको भी बाय कर सकते हो एज अ लॉन्गर टाइम पीरियड में, तो आपको लिए बेसिकली हाँ यार इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बिकॉज यार अभी हमें ब्लॉकटोपिया साइडवेज मार्केट में देखने को मिल रहा है, और आप जानते हो और जब भी कोई कंसोलिडेशन फेज आता है तो वहां से ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मे बी यार CPI डेटा कंट्रोल में आ जाए, और बेसिकली जो US का फेडरल रिजर्व है वो भी अपने इंटरेस्ट रेट्स की जो हाइक्स है वो भी गिराना चालू कर दे, तो मार्केट में हमें बेसिकली पंप इन वाली सिचुएशन देखने को मिल सकती है बेसिकली नेक्स्ट बुल रन तक। तो आप इसके अंदर एक सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। देन यार जो हमारा नेक्स्ट कॉइन है उसका नाम है बेसिकली थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो उसका नाम है बेसिकली मास नेटवर्क। तो मास नेटवर्क में भी आप एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, $2.85 के समथिंग इसका प्राइस चल रहा है, और अगर इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई देखें तो 68 बिलियंस के करीब इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा यार इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि बहुत अच्छी खासी बात है इसके लिए, ठीक है। $194 मिलियन का करीब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और $1,117 मिलियन की इसका वॉल्यूम है। तो हम कह सकते यार अच्छा खासा इसका $1 मिलियन में भी बेसिकली वॉल्यूम है, हर क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंज पे इतने में ट्रेड हो रहा है, तो आप सोच सकते हो यार इस क्रिप्टो की डिमांड है, और डिमांड है तो यार प्राइस तो भाई फिर ऊपर ही जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं यार नेक्स्ट बुल रन में ये कॉइन आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकता है,
ठीक है। तो अगर इसका कम्युनिटी देखिए तो इसका खुद का डिस्कशन पैनल है news.mass.io पे है, ट्विटर पे मिल जाएगा, रेडिट पे मिल जाएगा, इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिकली लिस्टेड है ये, ठीक है। और अगर हम इसका ट्रेडिंग व्यू पे टेक्निकल एनालिसिस करें बेसिकली अपने मास्क USDT का, तो आप देखोगे यार ये भी एक अच्छा खासा आपको डाउन ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। तो ठीक है यार, तो इस मंथ के अंदर यार हम एक अच्छा खासा बेसिकली मास्क USDT में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन वो ग्रोथ ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई है। तो यार अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करी होती ना, पिछले महीने मैंने आपको एक कॉइन बताया था और एक अच्छा खासा रिटर्न आपको बना के दिया होगा अगर आपने इसमें सिस्टमेटिक वे में भी इन्वेस्टमेंट करी होगी तो, ठीक है। अराउंड यार मैंने आपको पिछले मंथ बताया था कि आप ये एक बेसिकली $2.2 के अंदर बाई कर सकते हो, इसके डिमांड एरिया में अगर आपने बाई करा होता तो यार $161 तक का आपका प्रॉफिट बन जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो मे बी अगर आप पॉसिबिलिटी होती तो आप बेसिकली बुक कर लेते उस वक्त, तो अगर नहीं करा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी कॉइन्स बता रहा हूँ ना सारे लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए है, ठीक है। तो अच्छी खासी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो अराउंड अपने ऑल टाइम ऐसे यार ये 87.56% डाउन है, तो आपके लिए एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट बन सकती है यार बेसिकली ये मास्क USDT, ठीक है। तो इसमें आप पॉसिबिलिटी है आने वाले टाइम पीरियड में आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ बना के देने वाला है मास्क USDT, ओके। देन यार जो हमारा नेक्स्ट कॉइन है बेसिकली उसका नाम है अपना मैजिक, ठीक है। बेसिकली मैजिक है, तो मैजिक का जो बेसिकली अभी प्राइस चल रहा है 0.2 सेंट्स के करीब चल रहा है। अगर इसका कम्युनिटी देखिए तो उसका खुद का डिस्कशन पैनल है, medium.com पर मिल जाएगा, ट्विटर पर मिल जाएगा, इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट्स पे है, ठीक है, इथेरियम ब्लॉकचेन पे, और बेसिकली आर्बिट्रियम ब्लॉकचेन पे भी बेसिकली बेच रही है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई देखिए तो $177 मिलियन के करीब का 177 मिलियन सर्कुलेट हो रहा है मैजिक इसके अंदर। और मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए तो $47.4 मिलियन के करीब का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है और 553 लाख के करीब इसका वॉल्यूम है, ठीक है। देन अगर हम इसका ट्रेडिंग व्यू पे टेक्निकल एनालिसिस करें मैजिक का, तो आप देखोगे यार ये भी एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिल रहा है। अराउंड ये भी यार डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 96.08%। तो यार आप इसके अंदर भी एक सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बिकॉज नेक्स्ट बुल रन तक आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देगा ये, ठीक है, मैजिक USDT। तो आई होप इसके अंदर भी एक आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो मैजिक के अंदर, बिकॉज इसका फंडामेंटल जो है बहुत अच्छा खासा स्ट्रांग है और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देने वाला है, ठीक है। आप इसको बेसिकली लिख लो, गारंटी है मेरी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देगा मैजिक। देन यार जो हमारा नेक्स्ट कॉइन है उसका नाम है अल्ट्रा, तो अल्ट्रा का जो भी प्राइस चल रहा है 0.2 सेंट्स के करीब प्राइस चल रहा है। देन कम्युनिटी देखिए इसका खुद का डिस्कशन पैनल है, medium.com पर मिल जाएगा, ट्विटर पर भी अवेलेबल है। और अगर इसका वॉल्यूम देखें तो $1.3 मिलियन के करीब का इसका वॉल्यूम है हर क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंजेस पे ग्लोबली, इतने में ही ये ट्रेड हो रहा है। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए तो $62.8 मिलियन का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई देखो तो 303 मिलियन US सर्कुलेट हो रहे हैं इसकी सप्लाई में, ठीक है। और अगर इसका कॉन्ट्रैक्ट देखे तो बेसिकली इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट्स पे बेसिकली लिस्टेड है ये। और कम्युनिटी देखे तो इसका खुद का डिस्कशन पहले ना medium.com पर मिल जाएगा, ट्विटर पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसका बेसिकली ट्रेडिंग व्यू पे टेक्निकल एनालिसिस करें US का, तो यार ये भी आपको एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको मार्क करें तो इसके अपने डाउन अप ट्रेंड से, तो आपको बेसिकली ये 91.92% डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकता है ये सिस्टमेटिक वे में। और अगर आप इसमें लॉन्गर टाइम पीरियड तक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो US के अंदर, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देगा ये, ठीक है, आने वाले नेक्स्ट बुल रन तक। यार अभी तो पॉसिबिलिटी ये है कि CPI डेटा कंट्रोल में आ जाए, और CPI डेटा अगर अच्छे हर मंथली पॉजिटिव आ रहा है, तो जो भी हमारी US की जो फेडरल रिजर्व गवर्नमेंट है वो बेसिकली यार जो भी हम उसको सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, वो बेसिकली अपने इंटरेस्ट रेट्स के जो हाइक्स है वो गिराना चालू करेगी, जो कि यार अभी आप जानते हो नवंबर में भी बढ़ के आया है हमारा CPI डेटा अराउंड 0.75 BPS हाइक रेट्स के हिसाब से बढ़ के आया है, जो कि एक मार्केट के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, बट एज अ CPI के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बिकॉज अगर हमारा मनी सप्लाई कंट्रोल में आएगा ना, और गुड्स एंड सर्विसेज के भी जो दाम है वो भी कंट्रोल में आ जाएंगे, ठीक है, बिकॉज मनी ज़्यादा आउटफ्लो हो रहा है मार्केट के अंदर, जिससे कि डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है गुड्स एंड सर्विसेज की भी। तो यार उसी को अगर हमें कंट्रोल में लाना है, तो बेसिकली US फेडरल रिजर्व जो है जो ये सब कदम उठाती है, अपने जो भी रेट्स के हाइक्स है, फेडरल इंटरेस्ट रेट्स जो है उनके, उनको बढ़ाती है, ठीक है। तो यार मैंने अभी न्यूज़ देखी थी CNBC पे, तो बेसिकली उसमें बताया है कि जो अब की बार के नवंबर के जो हाइक रेट्स आ रहे हैं इंटरेस्ट रेट, हाँ दिसंबर के जो हाइक रेट्स आ रहे हैं, तो उसके अंदर हमें बेसिकली जो जर्मेन पॉवेल है वो कि जो कि चेयरमैन है फेडरल रिजर्व के, तो वो अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि अब की बार यार फेडरल रिजर्व का जो डेटा है उसको पॉजिटिव करें, ठीक है। तो हमें एक अच्छा खासा बेसिकली पॉजिटिवनेस देखने को मिल सकती है मार्केट में, अगर अच्छा खासा फेडरल इंटरेस्ट रेट्स डाउन होता है तो, ठीक है। बट यार पॉसिबिलिटी यही है कि डाउन हमें इतना देखने को नहीं मिलेगा,
ठीक है। देन यार अगर हम क्रोम पे जाते हैं, जब हमारा जो नेक्स्ट कॉइन है बेसिकली, तो उसका नाम है बेसिकली फैंटसामा, ठीक है। फैंटसामा भी एक अच्छा खासा मेटावर्स का प्रोजेक्ट का कॉइन है, 0.16 सेंट्स के करीब प्राइस चल रहा है। सर्कुलेटिंग सप्लाई देखिए तो 107 मिलियन सोल सर्कुलेट हो रहे हैं इसके सप्लाई के अंदर। देन कम्युनिटी देखिए तो उसका खुद का डिस्कशन पैनल है medium.io वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, ट्विटर पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, रेडिट पे भी देखने को मिल जाएगा। इसका खुद का कॉन्ट्रैक्ट है इथेरियम ब्लॉकचेन पे, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए तो 18 मिलियन डॉलर्स का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और 133 के डॉलर्स का इसका खुद का वॉल्यूम है, हर इस पर ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो यार बेसिकली न्यू कॉइन है और एक अच्छा खासा आपका प्रॉफिट बना के दे सकता है आने वाले टाइम पीरियड में, ठीक है। तो अगर इसका ट्रेडिंग व्यू पर टेक्निकल एनालिसिस करें सोल का, तो आप देखोगे यार ये बहुत अच्छा खासा अप ट्रेंड में देखने को मिला था। लेकिन अगर हम इसको ऑल टाइम हाई से मेजर करें तो यार ये भी 95.57% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, ठीक है। तो यार इसके अंदर भी आप एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो सोल के अंदर, हर क्रिप्टो ग्लोबली और इंडियन एक्सचेंजेस पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो यार अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टमेंट करोगे एज अ लॉन्गर टाइम पीरियड तक, एज अ स्पेसिफिक डेट, एज अ स्पेसिफिक अमाउंट और एज पर लॉन्ग टर्म, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकता है सोल नेक्स्ट बुल रन तक, ठीक है। तो यार यही है वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यार टेलीग्राम चैनल को चेकआउट करो यार, अच्छे खासे सिग्नल्स डालते हैं हम आपके लिए, ठीक है। तो ओके, गुड बाय।